ये नाला साफ हो गया, बस हाथ साफ करवानी है। एक्सक्यूज मी मैम, सैरेटो कहाँ? अंदर जा रहे हैं। अंदर क्या करने जाना है? मीटिंग है। मीटिंग है, अच्छा। किस बात का थप्पड़? तुझे पता है एक सरकारी ऑफिसर पे हाथ उठाने का नतीजा क्या हो सकता है? हाँ, और तुम लोगों को भी नहीं पता कि शायद मैं हूँ कौन। कौन है वे? तुझको तो पति मारूंगी मैं, समझी? अंदर जाना है तेरे को, अभी अंदर भेजती हूँ तेरे को, तो सीधा ना भगवान के पास भेजूंगी मैं। मैडम पागल पागल हो गई है क्या? कैसी पैकी वकी बातें कर रही है? मैं पागल हूँ मैडम, छोड़ दो। मैं पागल हूँ? तेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने मुझ पे हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की है। ये ना ऐसे नहीं मानेगी है? जब तुझे मैंने समझाया कि तू अंदर नहीं जा सकती तो जबरदस्ती घुसेगी तू। क्यों नहीं अंदर जा सकती? यही तो मैं रीजन जानना चाहती, क्यों नहीं अंदर आ सकती मैं? क्योंकि मेरी औकात मेरी जुत्ती के बराबर है, इसलिए नहीं जा सकती अंदर, समझी? मैडम क्या कर रहे हो, ऐसे कौन बिहेव करता है? मैं करती हूँ, जो मेरी बात नहीं मानते है ना उनको मैं सीधा भगवान के पास भेज देती हूँ। तुझे अंदर भेजना था ना, तेरे को तो मैं भगवान के पास भेजूंगी, तो यहाँ से जिंदा वापस जाएगी तब जाएगी ना अंदर। मैडम किस बात का खुन्नस निकाल रहे हो आप, मुझे अंदर जाने दो ना। तुझे अंदर जाने दूं? रुको तो ना, मैं इसी में लड़ा के मार दूंगी, समझी? अरे इसको यहाँ से जल्दी से हटा दो, वैसे भी ऑफिसर ने देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे कोई आने वाला। क्या कर रहे? अरे तुम लोगों के अंदर दिमाग है नहीं है? आज हमारी नई मैडम आ रही है और तुमने इसके साथ क्या बर्ताव कर दिया? अरे सर, इसने मुझ पे हाथ उठाया और मुझे धक्का देके अंदर आ रही है। चलो जो हो गया सो हो गया, अब इसे यहाँ से जल्दी बाहर भगाओ, मैडम आ गई ना तो बहुत गंदा डांटेंगे। ये प्यार से तो जा रही है, इसको ना लात जूते की बात है। मुझे नहीं पता इसके साथ क्या करना है क्या नहीं, अगर नया ऑफिसर आ गया ना और उसने मेरी पनिशमेंट लगाई तो तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। सुन, उठ के निकलेगी या तेरे को जूती निकाल के मारूं? मैडम मैं चले जाऊंगी। निकल, काम कर जाके। बदतमीज औरत। मैडम मेरे को अंदर जाना है तो आप बाहर क्यों भेज रहे हो? ओके उठ, खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो और निकल यहाँ से, नहीं तो मेरा सर दोबारा आ गए ना तुम मुझे सुनाएंगे, समझी? निकल। मैडम जो कर रहे हो ना मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई, तेरी ऐठन ना एक मिनट में छुड़ा दूंगी मैं, समझी? आसान हो कि तुम दोनों की ना ऐठन ना निकल जाए। अच्छा, मतलब अभी भी अकड़ेगी? वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। तू हाँ पहले निकल यहाँ से, चल। अरे मैम आप फाल क्यों खड़े हो, आप अंदर नहीं गए? ये आपके जो स्टाफ हैं वो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे। क्या भाई क्यों नहीं जाने दे रहे मैम को अंदर? सर ये कौन है? ये कौन है, आज कौन आने वाला था? वो इंक्वायरी करने के लिए मैम आने वाली थी। तो ये कौन लग रहे आपको? हाँ बस वही पूछ रहे थे हम सर। मैम चलिए आप। क्या हुआ मैम? कैसे कैसे को हायर करके रखे हो और तुम लोग को सरकारी नौकरी मिल कैसे गया? इनको इनकी नौकरी इनके बाप दादाओं के कोटा की वजह से मिली हुई है, वरना इनकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि 10वीं का एग्जाम भी खुद से पास कर सके। पर जाहिल गवार, इनको समझ ही नहीं किससे कैसी बातें करनी है। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगी कि अगर आप जैसे को जॉब मिलता है ना तो सबसे पहले आप लोगों के अंदर इतनी तो ट्रेनिंग दी जाए कि आप लोगों के साथ सही तरीके से ट्रीट कर सको। कभी भी इंसान को ना अपनी कैटेगरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कैटेगरी पे अगर इतनी अच्छी पोस्ट मिली ना तो पोस्ट का सम्मान करना सीखो, लोगों का सम्मान करना सीखो। और पता है तुम दोनों ने जो मेरे साथ व्यवहार किया ना, तुम दोनों की जॉब भी जा सकती है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मैम को अंदर ले चलो। सॉरी मैम, आइए आप।